नमस्कार दोस्तों, इस पौधे से आज मैं आप लोगों को टूटी हड्डी को जोड़ने वाला आयुर्वेदिक उपचार सिखाऊंगा। यह वीडियो अभी नहीं तो आपको बाद में चल करके काम आ सकते हैं। अगर वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाएंगे तो आपको इसमें भयंकर नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो तरीका सिखाऊंगा इसे टूटी हड्डी को जोड़ने का, ये आपको हमेशा काम आएंगे। यह उपचार आप स्वयं नहीं करना चाहते तो दूसरे को बता सकते हैं। और मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं, लेकिन जो जानकारियां होती है हमेशा फायदेमंद ही साबित होती हैं। तो सदियों से आयुर्वेद में इस पौधे का प्रयोग किया जा रहा है, ये है अर्जुन का वृक्ष। हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, अर्जुन का पेड़ इस प्रकार से होता है, देख लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये अर्जुन के पेड़ में इतना ज्यादा औषधि गुण छुपा होता है कि मुर्दे समान व्यक्ति को जो कि हड्डी टूटी है उसे आप जोड़ सकते हैं। जिसका अगर हड्डी टूट गई है, डॉक्टर भी जिसे जोड़ने में असमर्थ हो रहे हैं, उस हड्डी को भी यह जोड़ देता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में प्राण छुपा है, हर वीडियो में बोलता हूँ। आयुर्वेदिक जो दवा होते हैं ना दोस्तों, आप सभी को फायदा ही पहुंचाते हैं। जब आपको फायदा नहीं देते तो नुकसान भी नहीं करते। ये पेड़ पौधा जड़ी बूटियां स्वयं को नष्ट करके आप सभी की, हम सभी के प्राणों की रक्षा करती है, क्योंकि इस पेड़ की छाल को लगाने से आप सब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, स्वतः ही नष्ट हो रहे हैं। तो ये स्वयं को नष्ट हो करके हम सब मानवों की रक्षा करती है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार के पेड़ पौधा हमारे भारत भूमि से धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। दोस्तों हमें समय रहते हैं इनका संरक्षित कर लेना जरूरी है। तो आइए इसका औषधि पर कुछ इस प्रकार से है, वीडियो के माध्यम से जानते हैं। ये कान के दर्द में, इसके बाद बताऊंगा हड्डी किस प्रकार से इसे जोड़ा जाता है। तो अगर 3 से 4 बूंद अर्जुन के पत्ते का रस कान में डाला जाए तो कान के दर्द ठीक हो जाते हैं। वीडियो में इसी प्रकार के बहुत सारे जानकारी इसमें बता रहा हूँ, 4 मिनट की वीडियो बनने वाली है, जानकारी आपको हमेशा काम आएगी। इसके बाद जैसे कि मुख में आपके छाले आ गए हैं तो इसके जड़ को चूना, इसके जड़ के चूना को ना पानी में डाल करके कुल्ला करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे कि पेट में गैस बनता है, अर्जुन के जो छाल होते हैं ना, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और काफी बिकते भी हैं, मार्केट से आप खरीद सकते हैं ना, कहाँ मिलेंगे करके परेशान हो रहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो अगर पेट में गैस ऊपर आने में, कमर में दर्द हो रहे हैं तो 10 से 20 मिलीग्राम अर्जुन के छाल का काढ़ा नियमित रूप से सेवन करने से पेट के गैस ऊपर आती है व ठीक हो जाती है, एसिडिटी से राहत मिलती है, दर्द ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हड्डी जोड़ने के लिए आइए जानते हैं, अगर किसी कारणवश हड्डी टूट गई है या हड्डियां कमजोर हो गई हैं, वीडियो को यहीं पे छोड़ करके नहीं जाना है। अब यही जानकारी आपको भविष्य में काम आएंगी, इसलिए मैं पहले भी वीडियो में बोला हूँ, जानकारी हमेशा यूजफुल होती है, फायदेमंद साबित होती है। आप स्वयं की नहीं करना चाहते तो पशुओं में है ना, हमारे घर में जो पालतू पशु रहते हैं उनमें यह प्रयोग कर सकते हैं, 100% लाभ मिलते हैं और पुण्य भी कमा सकते हैं। तो अर्जुन की छाल का प्रयोग इस प्रकार से करना है, टूटी हुई हड्डी में काफी आराम मिलते हैं। तो 1 चम्मच अर्जुन का छाल के चूर्ण को दिन में 3 बार 1 कप दूध के साथ कुछ हफ्ते तक सेवन कराने से हड्डी मजबूत हो जाती है। भगना हड्डी है, टूटी हुई हड्डी है, इस स्थान पर इसके छाल को घी में पीस करके लेप करने से ऊपर से पट्टी बांध देने से हड्डी शीघ्र जुड़ जाती है, पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, अर्जुन के छाल से बने 20 से 40 मिलीटर क्षीरपाक में 5 ग्राम घी मिश्री मिला करके पीने से भी जो टूटी हुई हड्डी होती है जुड़ जाती है, दूसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग, अर्जुन की जो छाल है ये समान मात्रा में लेकर के पीस करके चूना बना ले और 2 से 4 ग्राम गुंगुल और घी में मिला करके सेवन करने से भोजन में घी व दूध का प्रयोग करने से शीघ्र जो टूटी हुई हड्डी होती है वह जुड़ जाती है। अंतिम प्रयोग बता देता हूँ, जो प्रयोग अच्छा लगे वह प्रयोग आप करना मित्रों। समान मात्रा में हरजोड़, आप सभी को पता है हरजोड़ नाम का पौधा, इस प्रकार से वीडियो में देख लीजिए, तो ये टूटी हुई हड्डी को और भी तेजी से जोड़ता है। और अगर इसके साथ में ये हो जाए, क्योंकि इसका नाम ही है हरजोड़ और साथ में अगर ये अर्जुन हो जाए तो फिर किसी रामबाण दवा से कम नहीं, किसी का बाप नहीं जो टूटी हड्डी को जोड़ने से रोक दे। तो समान मात्रा में हरजोड़, लाछा, गेहूं और अर्जुन का पेस्टा, इसके छाल का पेस्टा, इस सबको मिला करके घी में आपको अच्छी तरह से पेस्ट ऑफ फॉर्म में बना लेना है और टूटी हुई हड्डी पर आपको इसका पेस्ट लगा देना, ऊपर से कपड़े बांध देना है। बिल्कुल ही टूटी हुई हड्डी जो होती है 24 घंटे के भीतर में अगर पशुओं में है तो चलने फिरने लायक बना देते हैं। अगर ज़्यादा टूटी हुई हड्डी की समस्या पुराना हो गई है
तो अगर इसका नियमित रूप से 21 दिनों तक प्रयोग किया जाए तो चलने फिरने लायक बना देते हैं। तो ये थे कुछ इसके छोटे से जानकारियां, या जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना दोस्तों। नमस्कार।